रीवा में LLB परीक्षा के दौरान छात्र मोबाइल और किताब रखकर दे रहे पेपर। प्रबंधन बोला, दबाव बना रहे कुछ लोग, केंद्र बदला जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के चाकघाट स्थित TD शिक्षा महाविद्यालय के अंदर चल रही परीक्षा के दौरान नकल का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में LLB सेकंड सेमेस्टर के पेपर में छात्र मोबाइल और किताब रखकर परीक्षा दे रहे हैं। खुल्लम खुल्ला हो रही नकल का वीडियो किसी ने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वहीं अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि वीडियो किस महाविद्यालय का है, ये जांच चल रही है। इसके लिए एक टीम गठित की जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित महाविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि कॉलेज प्रबंधन ने सफाई दी है कि कुछ लोग नकल के लिए दबाव बना रहे हैं, ऐसे में केंद्र बदला जाए। रीवा जिले के सोशल मीडिया ग्रुप में 2-3 वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें दिख रहा है कि एक कैमरे में कई छात्र बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। उनके पास कई प्रकार की नकल सामग्री और मोबाइल है। सभी छात्र बड़े आराम से एक दूसरे को देखते हुए नकल कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यहां तक कि परीक्षा केंद्र में ना तो कोई जिम्मेदार नजर आ रहा है, ना कोई प्रोफेसर। वीडियो देखकर ये लग रहा है कि छात्रों को नकल करने की खुली छूट दे दी गई है। बता दें, TD शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य ने 18 अगस्त को कुल सचिव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा को पत्र लिखा, कहा कि नेहरू स्मारक महाविद्यालय चाकघाट का परीक्षा केंद्र पूर्व में रीवा था। नया परीक्षा केंद्र पहले सोहागी कॉलेज और बाद में रामबाई स्मृति महाविद्यालय डबौरा में रखा गया। दावा किया गया कि इन कॉलेजों के लोगों ने खुद कुलपति से मारपीट एवं अभद्रता की, जिसके कारण परीक्षा केंद्र TT महाविद्यालय कर दिया गया। छात्रों द्वारा 18 अगस्त को 11 से 2 बजे के बीच चल रही परीक्षा में नकल करने का दबाव बनाया, साथ ही गाली गलौज करते हुए मारपीट व अभद्रता की गई। ऐसे में महाविद्यालय परीक्षा नहीं करा सकता है। अगले पेपर से परीक्षा केंद्र बदला जाए, क्योंकि दूरभाष पर नेहरू स्मारक महाविद्यालय के प्राचार्य नकल का लगातार दबाव बना रहे हैं। चाकघाट स्थित विधि महाविद्यालय में परीक्षा में अनियमितता और नकल कराने की शिकायत के बाद कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश पर SDM त्योंथर PK पांडे शनिवार को परीक्षा केंद्र निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने केंद्राध्यक्ष को परीक्षाओं को ठीक से संचालन करने के निर्देश दिए। SDM ने कहा कि परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट द खबरदार न्यूज।